हरे कृष्णा। ये कहानी है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की, जब एक ओर देशवासी अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्र होने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वयं की सनातन वैदिक सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपना भी रहे थे। ऐसे समय में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिसने न केवल भारतवासियों को अपितु समस्त संसार को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शित किया। आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बना और खपरेल से ढका हुआ एक छोटा सा घर था। दिन था 1 सितंबर 1896। जन्माष्टमी के अगले दिन इस घर के सभी सदस्य नंद उत्सव की तैयारी कर रहे थे और उतने में घर के एक कमरे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। घर की सभी महिलाएं उस दिशा में दौड़ी और कुछ समय बाद उसी कमरे से एक नवजात शिशु के रोने की मधुर गूंज सुनाई दी। और यही वो क्षण था जब अज्ञानता के अंधकार में डूबी मानवता को दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले एक महान सपूत का जन्म हुआ। पिता गौर मोहन डे और माता रजनी ने नाम रखा अभय चरण, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के कारण निर्भय हो। अभय के जन्म के कुछ ही समय में एक ज्योतिषी उनके घर पर आए। माता पिता ने ज्योतिषी को अपने नवजात शिशु की जन्म पत्रिका दिखाई और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अभय 70 वर्ष की आयु में समुद्र पार जाएगा और संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। हालांकि माता रजनी और पिता गौर मोहन डे के लिए ये भविष्यवाणी एक अगोचर आश्चर्य से अधिक नहीं थी, लेकिन आने वाला समय इस भविष्यवाणी को चरितार्थ करने की तैयारी में लगा हुआ था। गौर मोहन डे कलकत्ता में रहने वाले और व्यवसाय से कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन स्वभाव और संस्कार से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। माता रजनी भी आज्ञाकारी, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। गौर मोहन और उनका परिवार प्रतिदिन नजदीक के राधा गोविंद मंदिर में जाते और अभय को भी बाल्यकाल से राधा गोविंद देव जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अत्यंत छोटी आयु में गौर मोहन ने अपने पुत्र अभय के लिए एक व्यावसायिक मृदंग वादक को नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभय ने बाल्यकाल में ही मृदंग के विविध ताल और कीर्तन करना सीख लिया था। गौर मोहन का स्वप्न था कि उनका पुत्र बड़ा होकर श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बने और इसलिए उनके घर पर जो भी साधु संत और वैष्णव जन आते उनसे वे अभय के लिए इसी आशीर्वाद की याचना करते थे। प्रतिवर्ष कलकत्ता में निकलने वाली रथ यात्रा को देखकर अभय के मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि वे भी ऐसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेंगे। बस फिर देर किस बात की, इस कार्य में उनके सहायक बने उनके पिता और आसपास के उनके मित्रगण। एक बार क्या हुआ कि पिता गौर मोहन ने उन्हें एक काष्ट का छोटा रथ बनवा कर दिया और अभय ने जगन्नाथपुरी की यात्रा का अनुकरण करते हुए 8 दिन की रथ यात्रा का आयोजन किया। आसपास की महिलाओं ने विविध व्यंजन बनाकर प्रसाद बांटा और अभय ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कीर्तन करते हुए यात्रा का निर्देशन किया। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने के अभय के गुण बचपन की उनकी सफल रथ यात्रा से प्रदर्शित हो रहे थे। 6 वर्ष के अभय को उनके पिता ने राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रह दिए और तभी से अभय जो भी खाते पीते वो विग्रहों को अर्पित करते थे। इस प्रकार वैष्णव परिवार में अभय का बचपन कृष्ण भक्ति से पोषित होता रहा। अभय ने अपनी स्नातक की पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूर्ण की। उन दिनों वे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटे हुए महात्मा गांधी से प्रभावित थे और इसका कारण सिर्फ एक था कि गांधी हमेशा अपने साथ भगवद गीता रखते थे। अभय अब एक बुद्धिमान और विचारशील युवक बन चुके थे। उनका विवाह हो चुका था और स्नातक की परीक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने डॉक्टर बोस की रासायनिक प्रयोगशाला में विभाग प्रबंधक के रूप में नौकरी करना प्रारंभ किया था। लेकिन ये उनके जीवन की पूर्णता नहीं थी। उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तो अभी आने वाला था, जो उनके जीवन की संपूर्ण दिशा को परिवर्तित करने वाला था। सन 1922 में जब अभय 26 वर्ष के थे, तब उनके एक मित्र ने उनकी भेंट एक शुद्ध वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से करवाई। अभय को प्रथम दृष्टि में देखते ही उन्होंने कहा, आप शिक्षित नव युवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते। अभय ने जो सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए असंभव था।
फिर भी विनम्रता पूर्वक उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा, आपके श्री चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? हम पराधीन देश के निवासी हैं, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गंभीर वाणी में कहा, कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। प्रथम मुलाकात में ही अभयशील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की निर्भीकता, पवित्रता और शास्त्र ज्ञान से युक्त प्रखर बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए और अपने हृदय में उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। इस घटना के 10 वर्ष बाद 1932 में अभय ने औपचारिक रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा के समय उन्हें अभय चरणारविंद नाम प्रदान किया गया। अब वे गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा के अधिकृत शिष्य बन चुके थे। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था, यदि तुम्हें कभी धन मिले तो उससे पुस्तकें छापना, और अभय ने अपने गुरु के इन वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समय का चक्र चलता गया। अभय अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। वे अपने व्यस्त दैनिक कार्य से समय निकालकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते, ये सोचकर कि जब उन्हें धन मिलेगा तो वे इसे प्रकाशित करवाएंगे। हालांकि उनका परिवार उनकी आध्यात्मिक अभिलाषा को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं रख रहा था, लेकिन फिर भी अभय अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्प थे। व्यवसाय की कठिनाइयां और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संघर्षरत अभय के जीवन में आखिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। एक दिन जब अभय अपने व्यवसाय से वापस अपने घर पर आए तो उन्होंने देखा कि वे जिस भगवद गीता का अनुवाद कर रहे थे वे उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि उनकी मेज पर नहीं पड़ी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, शायद कहीं और रख दी हो। कई जगह पर ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी पांडुलिपि प्रतियां नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और पूछा, क्या तुमने मेरी भगवद गीता की पांडुलिपि प्रतियां देखी है? आज सुबह मैं यहीं पर उसे रख कर गया था लेकिन अभी मिल नहीं रही। अभय के प्रश्न को सुनकर उनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया वो अभय के लिए अकल्पनीय था। उनकी पत्नी ने कहा, अच्छा वो तो आज सुबह ही मैंने एक रद्दी वाला आया था उसे बेच दी थी। ये सुनकर अभय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर भी हिम्मत करते हुए उन्होंने पूछा, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? तो पत्नी ने उदासीनता पूर्वक कहा, क्योंकि मुझे चाय और बिस्कुट खरीदने थे। ये सुनकर अभय के सिर पर जैसे वज्रपात हुआ। उनके लिए इस बात को स्वीकार करना असंभव था कि कोई व्यक्ति केवल चाय जैसे तुच्छ नशे के लिए भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की बहुमूल्य प्रतिलिपियों को बेच सकता है, और आखिर क्यों ना हो। अभय ने रात रात भर जाग कर उन पांडुलिपियों को तैयार किया था, उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, तात्पर्य लिखे थे और बस अब वे प्रकाशन के लिए जाने ही वाली थी। ऐसे में सिर्फ एक चाय के लिए उसे रद्दी में दे देना, ये बात उनके लिए असह्य थी। इस कड़वे घूंट को गले से उतारते हुए आखिर उन्होंने अपनी पत्नी को एक आखिरी सवाल पूछा, तुम्हें चाय चाहिए या मैं? अभय के इस प्रश्न में गंभीरता के साथ एक अगोचर दृढ़ संकल्प था। पत्नी ने सहजतापूर्वक कहा, मुझे चाय चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बस और क्या था। उसी दिन अभय चरण ने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर संपूर्ण जीवन अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने प्रचार कार्य में समर्पित कर दिया। अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आखिर अभय चरणारविंद ने 17 सितंबर 1959 के दिन केशव जी गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की और उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और उसके बाद उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक और यात्रा प्रारंभ हुई। भक्ति वेदांत स्वामी के गुरु महाराज ने प्रथम मुलाकात में ही उन्हें पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का आदेश दिया था, उसे वे भूले नहीं थे। अनेक कठिनाइयों और संघर्ष के मध्य भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का अनुवाद और प्रकाशन पूर्ण किया था और वे भगवत दर्शन पत्रिका भी चला रहे थे। आखिर 13 अगस्त 1965 के दिन 70 वर्ष की आयु में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर निकल पड़े। वे जलदूत नामक एक छोटे भारवाहक जहाज से
अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। अपने साथ केवल 40 रुपये, एक छाता, कुछ कपड़े और श्रीमद् भागवतम की अपनी कुछ प्रतियां लेकर वे संपूर्ण विश्व को कृष्ण भावनामृत का संदेश देने के लिए चल पड़े। उनकी ये यात्रा भी अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प की कड़ी परीक्षा ही तो थी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान समुद्री बीमारी तो थी ही, लेकिन उसके साथ 2 बार उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। लेकिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में लिए हुए हैं, और उसके बाद अटलांटिक समुद्र की शांति को देखकर कप्तान स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। आखिर 32 दिनों की यात्रा संपूर्ण करके भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका आ पहुंचे। अमेरिका पहुंचना ये उनकी समस्याओं का अंत नहीं था, अपितु और कठिन संघर्ष की शुरुआत थी। अमेरिका में कुछ समय तक एक अमेरिकन दंपत्ति ने उनके प्रारंभिक आवास को वहन किया, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी एक सन्यासी थे और वे यहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए आए थे, इसलिए एक स्थान पर रहना उनके लिए संभव नहीं था। केवल श्री कृष्ण पर आश्रित रहकर अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद सिर पर धारण करके वे न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े। न्यूयॉर्क में प्रारंभिक दिन उनके लिए अत्यंत कठिन रहे। जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता वे भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देते। अमेरिका में उस समय हिप्पी समाज के युवक जो कि जीवन के लक्ष्य की खोज में थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जैसे संत को पहले कभी ना ही देखा था और ना ही कृष्ण भावनामृत के विषय में उन्होंने सुना था, लेकिन वे सभी इस पवित्र और शुद्ध वैष्णव सन्यासी से प्रभावित अवश्य थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा और उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे हिप्पी समाज के कुछ गंभीर युवक युवतियाँ उनके पास भगवद गीता का प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भक्ति का पवित्र ज्ञान प्रदान किया और कुछ समय बाद उनमें से कुछ भक्तों को दीक्षा प्रदान की। उनके शिष्य उन्हें प्रेम से श्रील प्रभुपाद के नाम से बुलाते हैं। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने कुछ समय पश्चात न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक स्थान प्राप्त किया, जहां आधिकारिक रूप से इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई। Hello, Swamiji? Yes. What is the perfection of this life? The perfection of this life is to understand oneself. What I am. This is the beginning. Why I am suffering. If there is any solution of this suffering. So, know yourself. Yes. Know yourself. Yes. श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को विश्व के विभिन्न कोनों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु भेजा, और बस ये तो मात्र एक छोटी सी शुरुआत थी। अगले 12 वर्षों के अंदर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 10,000 से अधिक शिष्यों को दीक्षा प्रदान की और कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु विश्व की 14 बार परिक्रमा की। और इतना ही नहीं, अपनी बचपन की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व में अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना भी की। इसी मर्यादित समय में उन्होंने अनेक गुरुकुल विद्यालयों और गौशाला एवं कृषि क्षेत्रों की स्थापना भी की। विश्व इतिहास में सर्वप्रथम बार श्रील प्रभुपाद के ही कारण भगवान श्री जगन्नाथ अपने पूरी धाम से बाहर आए और संपूर्ण विश्व के महानगरों में उनकी रथ यात्राएं आयोजित की गई। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इसी समय के दौरान उन्होंने 51 पुस्तकों का अनुवाद किया और उसका प्रकाशन भी करवाया। और इतना ही नहीं, आज उनकी पुस्तकों का 28 से अधिक भाषा में अनुवाद हो चुका है और संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विविध भाषाओं में उनके आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं। और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि ये सारे कार्य उन्होंने 70 वर्ष से 81 वर्ष की आयु के मध्य किए, जब सामान्यतया लोग निवृत्ति स्वीकार कर लेते हैं। आखिर 14 नवंबर 1977 को वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग किया। उनकी समाधि वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में है तथा उनकी पुष्प समाधि पश्चिम बंगाल के मायापुर में स्थित है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक जादूगर हैं
जिन्होंने अत्यंत कम समय में अज्ञान रूपी भौतिकतावादी अंधकार में डूबी हुई मानव सभ्यता को जगाया और उन्हें कृष्ण चेतना का वो अमृत पिलाया जिससे वे अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करके भगवान के आध्यात्मिक धाम वापस लौट सके। उन्होंने न केवल शुष्क हो चुकी वैदिक सभ्यता की जड़ों को मजबूत किया अपितु संपूर्ण विश्व के कोने कोने में उसका प्रचार भी किया। कलयुग में आज जहां चारों ओर भौतिक दुखों का समुद्र उमड़ रहा है, वहीं उनकी कृपा से आज संपूर्ण विश्व में अनेक लोग प्रमाणभूत आध्यात्मिक संदेश की रसधारा का पान करते हुए अपने जीवन को सुखी और सफल बना रहे हैं। वर्तमान वर्ष 2021 में इस्कॉन और सभी भक्तगण श्रील प्रभुपाद की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर यदि आप भारत माता के सच्चे सपूत, महान आध्यात्मिक गुरु और विश्व प्रचारक सन्यासी के संपूर्ण जीवन चरित्र का आस्वादन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाइए और आज ही उनके जीवन चरित्र की पुस्तक ऑर्डर करें। यदि आप उनके महान जीवन चरित्र को अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो उनकी पुस्तकों का वितरण करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना दान दे सकते हैं। यदि श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र ने आपको प्रभावित किया है तो आज ही अभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इस आध्यात्मिक महानायक की कथा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दें। इससे आपका तो सम्मान बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारी वैदिक सभ्यता के राजदूत समान श्रील प्रभुपाद के जीवन से अन्य करोड़ों लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। हरे कृष्णा। Saparashoka Dukha Chai Guchi Bhai Na chao Prabhu Na chao Se Mate Ah